ये है शंघाई। दो करोड़ 40 लाख से अधिक की आबादी वाला शंघाई चाइना के सबसे अधिक जनसंख्या और सबसे अमीर शहरों में से एक है। पर बाकी शहरों से हटकर यहाँ कुछ ऐसी बिल्डिंगें हैं जो आपको हैरान कर देंगी। उनमें से एक है 1000 स्ट्री बिल्डिंग। आप यकीन नहीं करोगे पर ये इसका रियल नेम है। तो आज की वीडियो में जानते हैं चाइना की 1000 स्ट्री बिल्डिंग के बारे में कुछ अमेजिंग बातें। शुजो रिवर के तट में बने इस 1000 ट्रीज बिल्डिंग में 1000 ट्रीज और 2,25,000 पौधों को लगाकर इसे तैयार किया गया है, जिसके डिजाइन को थॉमस हैदर विक ने डिजाइन किया है, जिन्होंने इससे पहले अमेरिका के हडसन यार्ड में वेसल को भी डिजाइन किया था। इसका हैरान करने वाला शानदार डिजाइन किसी बिल्डिंग जैसा नहीं लगता। देखने में किसी पहाड़ जैसी दिखने वाली ये बिल्डिंग, जिसके डेवलपर चाहते थे कि ये बाकी आसपास की बिल्डिंगों से कुछ अलग दिखे, इसलिए इसे इस तरह से डिजाइन किया गया कि ये सबसे यूनिक दिखे। फेस वन को वैसे तो एक शॉपिंग मॉल के लिए तैयार किया गया था, पर ये दिखने में किसी शॉपिंग मॉल से कुछ बढ़कर ही नजर आता है, जिसका लक्ष्य था मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को एक आर्ट फॉर्म के रूप में पेश करना, जिसमें इसे पूरी तरह से सफल होता देखा जा सकता है। जहां कॉन्क्रीट के कॉलम में हजारों पेड़ों को बड़े ही शानदार तरीके से रखा गया है। मुझे तो ये बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट लगा। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस पूरे प्रोजेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो ईस्ट और वेस्ट के दो माउंटेन जैसे लगते हैं, और ये 1,00,000 स्क्वायर मीटर एरिया को कवर करते हैं। पहले फेज में वेस्ट माउंटेन में एक 9 मंजिला शॉपिंग सेंटर है, जिसमें दुकानें, गैलरी, रेस्टोरेंट और आर्ट गैलरी शामिल है। ये शॉपिंग सेंटर के साथ ही एक आर्ट गैलरी और सोशल एक्टिविटी का हब भी है। 8 साल के कंस्ट्रक्शन के बाद दिसंबर 2021 में इसे लोगों के लिए खोल दिया गया। साथ ही सेकेंड फेज में इसके ईस्ट माउंटेन का काम अभी चल रहा है, जो वेस्ट माउंटेन से भी बड़ा होने वाला है, जिसमें एक 19 मंजिला बिल्डिंग होगी और ये दिखने में पहले वाली बिल्डिंग जैसी ही होगी, पर इसमें फेस वन से अलग ऑफिस स्पेस और होटल बनाया जा रहा है, जिसके इस साल 2023 के एंड तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। 1000 ट्री प्रोजेक्ट को फ्लेक्सिबल ग्रिड के ऊपर बनाया जा रहा है, जिसमें इसके सारे एरिया से रिवर का पेनोरमिक व्यू आसानी से देखा जा सकता है। दूर से देखने पर किसी पेड़ों से ढके पहाड़ जैसे नजर आने वाली इस बिल्डिंग का रात का नजारा किसी करिश्मे से कम नहीं लगता, और पास से देखने पर किसी क्यूब के ग्रुप के जैसी दिखने वाली ये बिल्डिंग छोटे छोटे पिक्सल से बनी लगती है। साथ ही इसमें लगे पेड़ पौधे अलग अलग प्रजाति और अलग अलग सीजन के हिसाब से लगाए गए हैं। बिल्डिंग में लगे कॉलम्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसमें लगे पेड़ पौधे किसी गार्डन की तरह नजर आए। यहाँ की मॉडर्न आर्ट शंघाई के इतिहास को जिंदा करती है, जिसमें 16 अलग अलग आर्टिस्ट इस मास्टरपीस को हमेशा सजाने में लगे रहते हैं। साथ ही वेस्ट माउंटेन के इंटीरियर के लिफ्ट शाफ्ट में 40 मीटर ऊंचा मुराल भी बनाया गया है, और इसके एक्सटीरियर में माउंटेन का एक तिहाई हिस्सा एक साइड को झुका हुआ है, पर इसके सदर्न साइड को थोड़ा खुला रखा गया है ताकि वहां से मॉडर्न आर्ट का बेहतरीन नजारा देखा जा सके, जिसे लोकल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट द्वारा बनाया गया है। सदर्न फेस से अलग अलग तरह के शानदार पोर्ट्रेट मुराल्स और आर्ट वर्क के नजारों का मजा लिया जा सकता है। पर इन सब के बावजूद कुछ लोगों का मानना है कि प्रोजेक्ट बस एक बहाना है। जहां इस प्रोजेक्ट में 1000 पेड़ और 2,00,000 से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण किया जा रहा है, जबकि बाकी इलाके की जमीनों में भी पेड़ पौधे लगाए जा सकते थे। पर इसके विपरीत कुछ लोगों का मानना है कि बिल्डिंगों में पेड़ पौधे लगाना नया नहीं है, पर फिर भी अच्छा तरीका है बढ़ते पॉल्यूशन को कम करने का। शंघाई को दुनिया के कुछ सबसे बड़े स्काईस्क्रैपर और अमेजिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, और ये प्रोजेक्ट शंघाई की उस परंपरा को एक नए लेवल पर ले जाता दिख रहा है। ये इको इंस्पायर प्रोजेक्ट अर्बन डेवलपमेंट की दुनिया में आर्किटेक्चर और मॉडर्न आर्ट की नई परिभाषा को दर्शाता है।
आपकी क्या राय है इस 1000 ट्रीज प्रोजेक्ट के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस तरह के और भी अमेजिंग प्रोजेक्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।